हेलो दोस्तों, वेद कंप्यूटर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको पावर पॉइंट में डिजिटल वॉच बनाना सिखाएंगे कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हमको इसी तरीके से डिजिटल वॉच बनाना हम पावर पॉइंट में आपको सिखाने वाले हैं। और इसमें किस तरीके से एनिमेशन को लगाया जाता है ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कुछ इस तरीके से वॉच बनाना इसमें दिखाएंगे। आप यहाँ पे F5 करके दिखा भी देते हैं किस तरीके से ये वॉच आपका बना हुआ है और ये वॉच आपका चलेगा भी, एनिमेशन लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से वॉच ये चल भी रहा है। तो इसी तरीके से आज हम आपको इसमें पावर पॉइंट में बताने वाले हैं किस तरीके से ये वॉच आपका बनाया जाएगा। तो चलिए हम आपको वॉच बनाना तथा एनिमेशन, इसी के साथ एनिमेशन लगाना भी आपको इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक नया पेज ले लेते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसी पे क्लिक करना है और ब्लैंक पेज ले लेना है। ब्लैंक पेज लेने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है आपको डिज़ाइन व्यू में और यहाँ पे पेज सेटअप पे जाना है। पेज सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे ऑन स्क्रीन शो 16:9 वाला, इसी को सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से ओके कर देना। तो कुछ पेज आपका इस तरीके से आपका बड़ा होके आ जाएगा। अब आपको यहाँ से जूम करना हो तो जूम कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ से जूम ना कीजिए आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पेज आ चुका है स्क्रीन पे। अब आपको करना क्या है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे शेप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक शेप दिखाई देगा ओवल का, इसी को सेलेक्ट करके और आपको यहाँ पे शिफ्ट बटन दबा के कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट में चले जाएंगे। जाने के बाद अलाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, अलाइन इसे जा करके अलाइन सेंटर पे कर देंगे और यहाँ पे अलाइन मिडिल पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे ये बीचों बीच सेंटर में आ जाएगा कुछ इस तरीके से गोला। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सेव फील का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आकर के नो फील पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेव आउटलाइन का ऑप्शन, इसी पे क्लिक करना है और यहाँ से जा करके इसके विड्थ को यहाँ से जा करके हम 10 पॉइंट कर देंगे। तो अभी आपका यहाँ पे 2 पॉइंट टू दिखा रहा है, यहाँ पे हम 10 कर देंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। करने के बाद अगर आपको इसका यहाँ से कलर चेंज करना हो आउटलाइन का तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये इतना हो चुका है। अब हमें जाना है इंसर्ट में, फिर शेप में जाना है और सबसे नीचे यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे 12 पॉइंट स्टार, इसी को लेकर के शिफ्ट बटन दबा के कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे फीड करना है। फिट करने के बाद अब आपको यहाँ फॉर्मेट में जाना है, सेलेक्ट ही रहने देना, अलाइन पे जाएंगे और अलाइन सेंटर पे क्लिक कर देंगे और यहीं पे फिर हम जाएंगे और अलाइन मिडिल पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका ये बीचों बीच पे आपका सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक पीला सा पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, इसी को पकड़ के आपको नीचे की तरह आपको ड्रैग करना है, यहाँ पे बीच में इस तरीके से ड्रैग कर देना है। अब आपका कुछ इस तरीके से ये ड्रैग होके आ चुका है। अब आपको करना क्या है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा वर्ल्ड आर्ट का ऑप्शन, इसी पे क्लिक करना है। यहाँ से किसी भी फॉर्मेट में आप वर्ल्ड आर्ट यहाँ पे यानी इसका जो टेक्स्ट लिखना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे 12 लिख देना है। लिखने के बाद अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और चले जाना है होम में और इसकी साइज़ को कुछ हम इस तरीके से छोटा कर देंगे। इतना रखने के बाद अब इसे हमें यहाँ पे इसके यहाँ पे जो लाइन दिखाई दे रहा है इसी पे सेलेक्ट करना है और ले जा करके कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पे एडजस्ट करके रख देना है। रखने के बाद अब हमें करना क्या है, इसी इसके लाइन पे जाएंगे हम और कंट्रोल बटन दबा करके इसे हम कॉपी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉपी होता हुआ चला जाएगा इस तरीके से। आप कंट्रोल बटन दबाए रखिए और यहाँ से कॉपी करते हुए सब पॉइंट पे जो दिखाई दे रहा है आपका 12 लाइन, इस पे रखते हुए आपको जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 12 पॉइंट ये लग चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इन सबको ऐसे में एक एक को सेलेक्ट करना है यहाँ से और इसे हम डिलीट कर देंगे यहाँ से और यहाँ पे एडजस्ट करके हम इसे लगा देंगे कुछ इस तरीके से। लगाने के बाद अब हम इस पे आएंगे, इसको भी यहाँ से हम हटा के इसको हम यहाँ से 3 कर देंगे। करने के बाद एडजस्ट कर लेंगे इसको हम और यहाँ पे आ करके हम 4 लिख देंगे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इसका वर्ड को रख देना है। रखने के बाद अब आपको करना क्या है, इसी को सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, तो आपका कुछ इस तरीके से ये बन के आ जाएगा। सेलेक्ट कर ही रहने देना, आपको यहाँ पे चले जाएंगे फॉर्मेट में, अलाइन पे जाना है। अलाइन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अलाइन सेंटर पे क्लिक कर देना और अलाइन मिडिल पे क्लिक कर देना है। अब आपको ये जो आपका हरा वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसी को पकड़ के कुछ इस तरीके से हमें इसे घुमा देना है। घुमाने के बाद फिर हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जाना है, अलाइन सेंटर कर देंगे और अलाइन मिडिल पे क्लिक कर देंगे। फिर हमें हरा वाला पकड़ के यहाँ से कुछ इस तरीके से घुमा देंगे इसे। घुमाने के बाद फिर आपको यहाँ से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आपको फिर अलाइन पे जाना है और अलाइन सेंटर, और यहाँ से अलाइन मिडिल पे क्लिक करके इसे हम इस तरीके से घुमा देंगे। घुमाने के बाद आपको एक कॉपी और कर लेना है यहाँ पे। करने के बाद फिर आपको वही प्रोसेस करना है, यहाँ से जा करके मिडिल पे करने के बाद यहाँ से पकड़ के कुछ इस तरीके से आप घुमा दीजिए। घुमाने के बाद अब आपका होगा क्या इसमें, अब आपको यहीं से शिफ्ट बटन दबा करके सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है। जितना भी आपका यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहा है सब आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट में और इसे यहाँ से हम ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ग्रुप आपका हो चुका है, इसी से को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेंड टू बैक पे आपको जा करके क्लिक कर देना है। तो ये इसके पीछे चला जाएगा। जाने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जाएंगे हम इंसर्ट मेनू पे और यहाँ पे जाएंगे शेप में। शेप में जाने के बाद अब आपको यहाँ से फिर ओवल सेलेक्ट करना है और यहाँ से जा करके हम शिफ्ट बटन दबा के कुछ इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। शिफ्ट बटन आपको दबाए रखना है और यहाँ से ड्रैग करना है आपको कुछ इतना। ड्रैग करने के बाद अब आपको फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से जाने के बाद आपको अलाइन सेंटर पे कर देंगे इसे हम, और यहाँ से अलाइन मिडिल पे कर देंगे। तो आपका इस तरीके से ये एडजस्ट होके लग चुका है। सेलेक्ट करना है इसे और चले जाना है शेप फिल में, और यहाँ से ग्रेडियंट पे जाएंगे, मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे ग्रेडियंट फिल पे क्लिक कर देना है, और आपका यहाँ पे जो भी कलर आपको लेना है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप पे जाना है और यहीं पे आपको पैथ कर देना है इसे। करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, क्लोज कर देना है। अभी आपका ये हो चुका है, अब आपको जाना है एनिमेशन पे। उसके बाद अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप कोई भी बैकग्राउंड एक चूज कर लीजिए। आपको मतलब कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड आपको ले लेना है, तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ये दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके से। बैकग्राउंड इसका हमें यहाँ से चेंज कर देना है। इसका कलर आपको देना हो तो यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कलर भी दिया है आपका। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है इंसर्ट मेनू में और शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक शेप से ट्रैपसॉइड, इसी को सेलेक्ट करना है। यहाँ से पकड़ के इस तरीके से हमें ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे पीला वाला पॉइंट दिखाई देगा, इसी को पकड़ के हमें अंदर की तरफ खींच देना है। करने के बाद अब आपको यहाँ से पतला कर लेना है थोड़ा सा। फॉर्मेट में जाएंगे हम, और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से कोई भी कलर आप चूज कर लीजिए, और यहाँ से जा करके नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट करना है आपको और कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। करने के बाद अब आपको यहाँ पे जाना है फॉर्मेट ऑप्शन पे, यहाँ पे रोटेट दिया हुआ है, रोटेट में जाने के बाद फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। इसके डायरेक्शन को हम कुछ इस तरीके से चेंज करके हम इसे नीचे की तरफ ऐसे में लगा देना है आपको। लगाने के बाद अब आपको करना क्या है, शिफ्ट बटन दबा करके इन दोनों को हमें सेलेक्ट करना होगा। शिफ्ट बटन दबाए रखना है और इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद आपको कंट्रोल जी से ग्रुप कर देना है, नहीं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ग्रुप का ऑप्शन, ग्रुप कर देना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से छोटा करना हो तो छोटा कर लीजिए, और ला करके हम यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एडजस्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे जाना है अलाइन पे और अलाइन सेंटर कर देंगे, यहाँ से अलाइन मिडिल पे क्लिक कर देंगे, तो ये अपने यहाँ बीचों बीच सेंटर में चला जाएगा। अब आपको इसी पे डबल क्लिक कर देना है और ये नीचे वाले पोर्शन को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से जा करके हम नो आउटलाइन पे क्लिक किए हैं, और यहाँ से जा करके नो शेप फिल पे क्लिक कर देंगे, तो आपका ये बन के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट करना है आपको फिर इसी को, और चले जाना एनिमेशन पे, और कस्टम एनिमेशन में जाना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है, इम्फेसिस पे जाना है और इसे स्पिन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसका प्रीव्यू बन के आ चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इसी को हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर लेंगे। करने के बाद अब आपको इसी पे डबल क्लिक कर देना है, ये जो आपका दिखाई दे रहा है सुई, अब इसे फॉर्मेट में जाएंगे और इसका कलर यहाँ शेप फिल से चेंज कर देंगे। तो जो भी कलर आपको अच्छा लगे तो यहाँ से हम उसे चेंज कर देंगे। करने के बाद अब आपको सेलेक्ट करना है फिर से इसे, और
जाना है आपको रोटेट में और इसे हम 90 डिग्री पे घुमा देंगे और यहाँ अलाइन पे जाकर के अलाइन सेंटर कर देंगे और अलाइन मिडिल पे क्लिक कर देंगे तो आपका बीचों बीच लग चुका है। फिर हमें इसी का कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर लेना है। करने के बाद अब आपको फिर क्या करना है, इसी को सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट यहाँ सेव फील में जाएंगे और यहाँ से इसके कोई भी कलर को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए ये कलर को ले लिया। लेने के बाद अब आपको फिर यहाँ से इसको यहाँ से जा करके नो फील पे क्लिक कर देंगे और सेलेक्ट करना है आपको इसको फिर से और यहाँ पे चले जाएंगे ग्रुप रोटेट में और यहाँ से जाने के बाद हम इसे 90 डिग्री पे घुमा देंगे। घुमाने के बाद फिर आपको अलाइन पे जाना है, अलाइन सेंटर, फिर अलाइन मिडिल पे क्लिक कर देना है। तो आपका कुछ इस तरीके से ये लग के आ चुका है। दूसरे वाले में एनिमेशन हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पहले वाले पे चले जाना है, आपको ये पहला सेलेक्ट करना है और इस पर हम एनिमेशन दे देंगे। यहाँ से टाइम इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे इसे हम टाइमिंग इसका दे देना है 60 सेकेंड और यहाँ से आपको अनटिल टेक्स्ट कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। दूसरा वाला इसी तरीके से हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसकी टाइमिंग हमें कितना देना है, टाइमिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे विथ प्रीव्यू कर देना है और यहाँ पे हम 360 लिख देंगे सेकेंड आपका और यहाँ पे ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमें कोई भी टाइमिंग नहीं देना है, इसको ऐसे ही रहने देना है और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिजिटल बन चुका है। फिर हमें इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है और यहाँ पे ओवल को सेलेक्ट करके और यहाँ से कुछ इस तरीके से एक गोला बना लेना है, इस पर सर्कल बना के इसको सेंटर पॉइंट में इस तरीके से रख देंगे। कलर चेंज करना हो तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। आपका ये बन के रेडी हो चुका है। F5 जैसे ही क्लिक करेंगे हम इसमें और इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका वॉच बन के तैयार हो चुका है और ये चल भी रहा है। तो इस तरीके से हम पावर पॉइंट में वॉच को बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी हम अगला वीडियो अपलोड करूँ आपके मोबाइल तक तुरंत पहुँचे। इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।